उधर उत्तराखंड में जिस पुल की काफी समय से मांग हो रही थी वो रानीबाग पुल बनकर तैयार हो गया है, जिसे 15 अगस्त को जनता को सौंप दिया जाएगा। ये पुल 7 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जिसका फायदा कुमाऊं के लोगों को मिलेगा। हल्द्वानी से कुमाऊं मंडल के पहाड़ों पर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कुमाऊं और भाबर को जोड़ने वाला रानीबाग पुल तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 15 अगस्त को किया जाएगा। ऐसे में अब लोगों को आवाजाही में काफी सहूलियत मिलेगी। इसमें हम लोग स्टार्ट कर देंगे, 20-25 से पहले हम लोग स्टार्ट कर देंगे। रानीबाग में पुराने पुल का निर्माण साल 1965 में हुआ था, जो काफी जर्जर हो चुका था। ऐसे में यहाँ पर नया पुल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। नया पुल करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बन पूरा चुका है, अब थोड़ा ट्रायल हमारे चल रहे हैं उसमें, उसको तो जल्दी से स्टार्ट करें। पुल के शुरू हो जाने से भीमताल, मवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर आने वाले पर्यटकों को फायदा मिलेगा और जाम से भी निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। 15 अगस्त को देश को आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे, जिसकी खुशी में देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और बिजनौर में आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत अमृत पद यात्रा निकाली गई है, जिसमें लोगों ने हर घर तिरंगा फहराया है। देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश भर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है, लोग घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं। बिजनौर में भी SP और DM सड़कों पर उतरे और पुलिस लाइन में DIG शलभ माथुर समेत कई अधिकारियों ने घर घर तिरंगा लगाया। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर एक मार्च भी निकाला और बच्चों को तिरंगा देकर आजादी के जश्न के बारे में समझाया। वहीं DM ने कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों के साथ तिरंगा रैली निकाली। तिरंगा पदयात्रा में शामिल कर्मचारियों और लोगों ने देशभक्ति के नारे भी लगाए। आजादी के 75 साल पूरे होने पर DM ने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की। आजादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस महोत्सव मनाने के लिए जन जन की भागीदारी हो रही है, सभी उत्साहित हैं और जन जन में झंडे के प्रति, देश के प्रति, शहीद हमारे जो सपूत हैं उनके प्रति एक भावना पैदा हो। दरअसल PM मोदी ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाने का सुझाव दिया था, जिसके बाद पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ABP गंगा के लिए बिजनौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।